का भी घर बने, उनको भी जमीन बने, ऐसा व्यवस्था मैं बनाने जा रहा हूँ। आने वाला समय आपको पता चलेगा। और माननीय विधायक जी लोग कहते रहते हैं कि माननीय मंत्री जी कुछ सवर्णों के लिए भी सोचिए। मैंने कहा था मनमोहन झा जी इस प्रश्न को लाए थे और मैंने कहा अगर विभाग के मंत्री थे, आपने तो नहीं किया है लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं करके दिखाऊंगा। ये हमारी सोच है। और मैं अंतिम बार कहना चाहूंगा, समाज का मतलब एक जात नहीं होता है, समाज का मतलब हर वर्ग होता है। हम लोग तो जाति की जबरदस्ती करते जा रहे हैं, जाति को कोटा बनाते जा रहे हैं, जाति को जाति बनाते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आई है जिसको तोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसको समझाने का प्रयास कर रही है। हमको एक सूत्र से बनना है। हमको तो लोगों ने बांट दिया है, अब बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब आगे चलने की आवश्यकता है। और आपके समाज भ्रमण से समाज समाज को कुछ दिया है, कुछ देना भी चाहता है, लेकिन चंद लोगों के कारण बदनामी होती है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति खराब नहीं होता, उसका विचार खराब होता है, कोई पार्टी खराब नहीं होता है, उसमें रहने वाला व्यक्ति खराब होता है। और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्वकर्ता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। और वो मोदी जी आज गरीब के बेटा है, क्या वो गरीब का बेटा किसको लेकर नहीं चलना चाहता है? चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, झगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब समाज के लिए काम कर रहा है। इसलिए हम सबको एकत्रित होकर के भारत माता की वंदे। और एक बार अंत में नारा लगाइए, स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर रहे अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन अगर हम कम लेंगे तो भाई से ही कम लेंगे, भाई से ही ज्यादा देंगे, बहन को देंगे, भतीजा को देंगे, बेटा को देंगे, लेकिन दो कट्ठे के बदले में आप चढ़ावा जाकर के अगल बगल कोर्ट कचहरी अधिकारी पदाधिकारी के पास जाके चढ़ावा करा देते हैं और आपका संपत्ति दूषित हो जाता है। इसलिए नया सर्वे मुजफ्फरपुर में दो तीन महीना के बाद चालू होने वाला कैंप वगैरह तैयार हो रहा है, तो आप सभी लोग बैठ करके सहमति बना के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारत सरकार के हमारे पार्टी के बैठे विभाग यही देखने वाले हैं। वहाँ पांच विभाग कौन सा विभाग मेरा का देखते हैं, जो विभाग मेरा भी यही करी आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक ही कार्ड में सब संपत्ति का ब्यौरा आ जाए। आने वाला समय वही आने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आगे काम करवा भी रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आप सब लोगों से कि आप अपनी संपत्ति का बंटवारा भाई विचार से करके करना है। और स्वामी सहजानंद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपको जाना है। जैसे 10 आदमी अनुकरण कर लेगा तो समझिए परिवार आने वाला पीढ़ी तक हुआ झंझट से समाप्त हो जाएगा। जिसका जीता जागता गवाह मेरा परिवार है। आज मुझे परिवार में 8 भाइयों का परिवार है। एक भी मुकदमा एक भी झंझट लफड़ा कोई पंचायती मेरे घर में नहीं हुआ और कोई बंटवारा का पंचायती नहीं हुआ जो मेरे पिताजी करके गए और कोर्ट से बंटवारा करके चले गए। मैं फिर पुनः दोहराना चाहता हूँ कि गरीब किसी भी जाति हो सकता है लेकिन हम तो प्रोत्साहित है मानव श्री विजय ठाकुर जी। जिंदगी में इतने सालों से है, इतना कार्यक्रम में लगते हैं, हम लोग को भी लगता है कि 1.5 से 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा कोई कार्यक्रम चल रहा है। और हमको लगता है कि जो सुनने वाले उनको भी यही लगता है, लेकिन व्यवहारिकता ऐसा है। चल के आए हुए दूसरे जिला से लोकप्रिय विधायक श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी और बेतिया से आप चल के आए हुए हम सबके बीच में तेजस्वी